माई YouTube फैमिली, क्या हाल है आप सबका। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव। देखिए चिकन पुलाव, उसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, आए उनको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे चावल। यहाँ मैं 4 किलो चावलों का बना रही हूँ चिकन पुलाव। आप लोग अपनी मर्ज़ी से 2 किलो चावलों का भी बना सकते हैं, 1 किलो चावलों का भी बना सकते हैं। उसके साथ मैंने लिया है टमाटर, टमाटरों को मैंने काट लिया, 1 किलो टमाटर इस्तेमाल किए हैं। 2 किलो प्याज इस्तेमाल किए हैं, उनको भी मैंने काट लिया है। हरी मिर्चें 7 से 8 हरी मिर्चों को दरमियान से 2 कट लगा लें। लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है मैंने। चिकन मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे 3.5 किलो, उसको अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे 4 टेबल स्पून। नमक आपकी मर्ज़ी, जो आपका टेस्ट है उसके मुताबिक ले सकते हैं। ज़ीरा 2 टेबल स्पून। और इसके साथ हम लोगों ने दालचीनी ली है 3 से 4 टुकड़े। इमली और आलू बुखारा, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, इसका पानी भी इस्तेमाल करेंगे और साथ में इमली और आलू बुखारा भी इस्तेमाल करेंगे। बिरयानी मसाला, यहाँ पर मैं 2 डब्बे यूज़ कर रही हूँ बिरयानी मसाले के, शान बिरयानी मसाले के 2 डब्बे इस्तेमाल करूँगी। चावल बनाने के लिए मैंने बड़ा पतीला ले लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पे 1 किलो इस्तेमाल किया है। 4 किलो चावल है, उसके लिए मैंने 1 किलो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याजों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक, प्याज जो है गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए। अब मैं इसमें एक एक करके सारे मसाले शामिल कर दूँगी। शामिल कर देंगे टूटा हुआ मसाला, इसमें शामिल करेंगे बिरयानी मसाला। मैंने गलती से बोल दिया था, और डब्बे भी मैंने बिरयानी मसाले के ही रख लिए थे, लेकिन हम इसके अंदर डालेंगे पुलाव मसाला। टमाटर ऐड कर देंगे इसके अंदर। लाल मिर्च, दालचीनी, 2 से 4 लौंग इस्तेमाल किए मैंने, ज़ीरा मसाला थोड़ा सा भी डालूंगी, थोड़ा सा मैं बाद में डालूंगी। के लिए हम इसे भूनने के लिए रख देंगे तेज आंच पे अच्छी तरह से। जब इसकी भुनाई होना शुरू हो जाएगी, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। 2 से 4 मिनट मैंने सारे मसाले की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन। चिकन डाल के मैं 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी। भुनाई करने से ये होता है कि जायका बहुत ही मज़े का आता है चावलों का। अब जितनी चिकन की भुनाई करेंगे, चावल अब उतने ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। चावलों के अलावा मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ ना, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसकी भुनाई ज़्यादा करूँ। मैं बहुत ज़्यादा भुनाई करती हूँ, शायद इसलिए जायका जो होता है चीज़ का अच्छा आता है। तो भुनाई मस्ट है, कि आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे तो उतना ही अच्छा आपके मतलब खाने में जायका आएगा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन। आज मैं आपके साथ कुछ बातें भी करती हूँ। जब मैं अपने माँ बाप के घर हुआ करती थी, तो आप यकीन करें कि मुझे चाय तक भी नहीं बनाने आती थी। रोटी पकाने आती थी, 2 रोटी पका लेती थी। 10-12 साल की एज में ही मैंने रोटी पकाना सीख ली थी, तो उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता था। सब कुछ मैंने अपने ससुराल में आकर सीखा है। माशाल्लाह से मेरा ससुराल इतना अच्छा है। हम सब इतने फूडी हैं कि हमारे पतले होने का तो सवाल पैदा हो ही नहीं सकता। जो कोई भी मैं कहीं भी देख लेगा ना, पता चल जाएगा कि चौधरी की फैमिली आ रही है। हम लोग मतलब माशाल्लाह, हम लोग खाने के मामले में जितने भी जाओ, रोटी होनी चाहिए। भावें कुछ होवे ना होवे, रोटी लाजमी होनी चाहिए। फिर वहाँ पर आकर अम्मी अबू की वफात के बाद कि मैंने सोचा कि चलो मैं कुरान पाक भी पढ़ती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, फिर उनको मतलब पढ़ के बख्श भी देती हूँ, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं मिल रही थी। मैंने कहा चलो अपने माँ बाप के नाम का सदका करना शुरू कर देती हूँ। सदका मैं खाने की सूरत में भी कर देती हूँ, किसी गरीब की हेल्प करके भी कर देती हूँ, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। मुझे सब कहते हैं कि आप जो है तुम बाहर से पक्की पकाई देख क्यों नहीं ले लेती, तुम सारा दिन कैसे मतलब किचन में तुम्हारा लग जाता है। मैंने कहा हफ्ते में सिर्फ 1 दिन तो आता है जो मेरा किचन में लगता है, तो कोई बात नहीं,
और जब तक मैं अपने हाथ से बनाकर तकसीम ना करूँ मुझे सुकून नहीं आता। तो इसलिए मैंने कहा मैं मतलब अपने हाथ से पका कर तकसीम करूँगी। शुरू शुरू में जब मैंने खाना बनाना शुरू किया तो कभी जल जाता था, कभी कोई मसाला डालना भूल जाती थी, कभी नमक डालना भूल जाती थी, कभी मिर्चें तेज़ कर देती थी। ऐसा ऐसा जब मैंने पकाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब बेशक मुझसे कोई देग भी बनवा लेगा तो मुझे देग भी आ सकती है। मतलब मैं जर्दे की भी देग बना सकती हूँ और मैं नमकीन चावलों की भी देग बना सकती हूँ। उसके अलावा और भी जो भी चीज़ है अब मैं मतलब माशाल्लाह से हर चीज़ मैं चाइनीज़ भी अच्छी तरह से बना सकती हूँ। चिकन की बनाई होगी है अच्छी तरह। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। पानी का हिसाब भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे ये वाले जो दो डब्बे हैं ये थे चावलों के दो डब्बे और मैं दो डब्बे ही पानी के डालूंगी। नए चावलों पे पानी हम कहते हैं कि हमेशा कम रखना चाहिए। अगर आप लोगों के चावल पुराने हैं तो दूना पानी डालना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी जो है मैं पानी जितने चावल होते हैं मैं उतना ही पानी डालती हूँ। मैं पानी ज़्यादा या कम नहीं करती। चावलों को मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। चावल शामिल करती हैं अब इनको, जब तक पानी खुश होगा तब तक पका लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्ची इसके अंदर। चावलों का पानी खुश होना शुरू हो गया है, इसको थोड़ी देर के लिए और खुश कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसको लगा देंगे बंद पे। चावलों का पानी सारा खुश हो गया है, अब हम इनको लगाने लगे हैं दम पे। 10 मिनट के लिए रखूँगी मैं इनको दम के ऊपर और 10 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि चावल किस तरह के बने। हम दिए हुए 10 मिनट हो गए तो हम देखते हैं कि चावल बन गए हैं या नहीं। हो गए थे, अब हम दम खोल लिया है और माशाल्लाह से चावल जो हैं बिल्कुल पक कर आप लोगों के सामने तैयार हैं।